जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं महोबा से एक खबर की ओर। बुंदेलखंड विकास खंड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला आज महोबा पहुंचकर किसानों से रूबरू हुए और उन्होंने किसानों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए नए कृषि बिल के फायदे बताए और साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग रखें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे संवाददाता वहीद अहमद की रिपोर्ट। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने आज महोबा जिले के लाड़पुर बेलाताल सहित कई गांव में भ्रमण कर किसानों से संवाद किया और सरकार द्वारा लाए गए दो किसान बिलों पर चर्चा की गई और उनसे सुझाव मांगे और किसानों से अपील की गई कि यदि उनके इस बिल में कोई भी सुझाव हैं तो उन्हें बताएं, जिन्हें वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजेंगे। किसान अपना काम छोड़कर आंदोलन ना करें। वहीं बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बोले कि यह जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वह छोटे राज्य की मांग करें ताकि क्षेत्र का विकास हो। इस काम में जनता और जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, तभी राज्य संभव हो। एक जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश की ओर से किसानों से संवाद के लिए, किसान चौपाल के लिए। जो दो नए बिल आए हैं इन बिल पर चर्चा करने के लिए, ये बिल किसान के हित में है, हम ये कहेंगे। हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट बात है। दूसरा, जो एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है किसानों के बीच में, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। पार्टी अपने अपनी काम कर रही है, लेकिन हमारा भी अपने प्रदेश अपने क्षेत्र के लिए एक जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले किसान भ्रमित हो, गलत रास्ते जाए, आंदोलन करे, तोड़फोड़ में फंसे, अपनी खेती किसानी बर्बाद करे, हम संवाद के लिए आए हैं। अगर इस बिल में हम जो पॉइंट्स दे रहे हैं उनको लगता है कि गलत हैं और उनके कोई सुझाव हैं तो हम उन सुझाव को लेकर जाएंगे और उनका संशोधन हो सकता है केंद्र में भी और अपना इस राज्य में भी देंगे। इसलिए हम आए हैं कि किसानों को ये लगे कि उनके पास कोई आया है। भाई, विधायक भी जाते हैं, सांसद भी जाते हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में अगर किसी की समस्या है तो उसको सुने। आज शाम को महोबा में हम सारे पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, जिसमें बिजली है, जिसमें खाद है, जिसमें सड़क है, जिसमें अन्ना पट्टा है, जो जो किसान से और बैंक है, जो जो किसान से संबंधित है, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने बुंदेलखंड के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, आखिर बुंदेलखंड क्यों प्रदेश नहीं बन पा रहा है? देखिए, प्रदेश बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी होती है, एक क्योंकि भूभाग का बंटवारा होता है, राजस्व का किस तरह से उसका वो होगा वो होता है, और इस पे काम हो रहा है और काम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का लगभग का प्रदेश है और सरकारों को भी ये पता चल गया है कि इस प्रदेश की व्यवस्था के लिए बहुत जोर देना पड़ता है, इसके प्रशासनिक आर्थिक जो समस्याएं हैं, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री जी इस बात को कर रहे हैं, पूरी जी जान से लगे हुए हैं। छोटे राज्य जब भी कहीं बने हैं, किसी भी स्थिति में बने हैं, उन राज्यों ने प्रशासनिक और औद्योगिक नज़रिए से बहुत अच्छा किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और अभी हाल में तेलंगाना, इनकी आप GDP देखिए बहुत बेहतर हो गई है। तो ये सरकार को भी पता है कि छोटे राज्य बनने से क्या लाभ है। वो आपके माध्यम से हम कहते हैं कि जनता को भी तो जागना चाहिए ना, जनता इस बारे में जागे। प्रजातंत्र का जमाना है, वोट उसे दे जो राज्य बनाने की बात करे। भाई, BJP के ही लोग तो कहते हैं राज्य बनेगा, तो उनको पकड़े, विधायक घर जाएं, आप सांसद पुष्पेंद्र सिंह जी उनके घर जाएं, वो तो बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो क्यों नहीं उठाते हुए सवाल वहाँ पर पार्लियामेंट में कि छोटा राज्य बनना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता की बात पिछले दरवाजे पर ले जाते हैं, फिर उनकी बात कुछ नहीं होती है। हम मुखौटा नहीं चाहिए, पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम पे कहो ना, हम कहाँ कहते कि अपनी सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करो, लेकिन बुंदेलखंड की ज़रूरत अगर है, मांग की है, तो विधायकों को करनी चाहिए ना। मैं तो बाहर हूँ, मैं तो ना तो विधानसभा में ना लोकसभा में, फिर भी मैं करता हूँ और करूँगा और लड़ूंगा हमारे लिए। लेकिन जो विधायक चुने गए हैं, अपने भाषणों में जिन्होंने कहा है, उमा भारती जी ने कहा था कि 3 साल में राज्य बना देंगे, क्या हुआ? ऐसे तो ये प्रजातंत्र का भी
फर्ज है, हम आपका भी फर्ज है कि इसमें हर व्यक्ति जिम्मेदारी ले। LIU बनते हैं है यहाँ आप चर्चा करें, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, रेस्टोरेंट में बुंदेलखंड क्यों बनना चाहिए इस पर बताएं। 7 नदियाँ हैं, 4 जगह बिजली बनाते हैं, हमारा दोहन है, शोषण है, अगर राज होगा तो ये नहीं होगा। ये आप चर्चा करें तो LIU रिपोर्ट देगी ना, तभी लोगों को पता चलेगा। अकेला राजा बुंदेला बुंदेलखंड की बात करता रहे, वो करूंगा, मेरी जिम्मेदारी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।